वो है मीनार पाक। ये बादशाही मस्जिद का फ्यूज दौर में तो बादशाह वगैरह मौजूद नहीं थे। ये सारा फूड स्ट्रीट है लाहौर का, ये देख सकते हो ये आप पीछे, ये वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? फिर से हम आ गए वापस। यार हम ऐसे आते रहते हैं। पहले यार सबसे पहले आपको ये खूबसूरत शर्ट दिखा दूँ, 650 रुपये की आज नई है। ये देख लो, ये बना हुआ है, उधर ही मैंने पहन भी ली थी। और ये मेरे दोस्त ने भी ये नया लिया आज, खूबसूरत है। एक रेट खुद बताएगा, रेट ये दिरहम का है, ये बहुत महंगा है। ये दोस्त आज नहाया है माशाल्लाह, फ्रेश हुआ बैठा है, खूबसूरत लग रहा है। और ये कहाँ जा रहे भाई आप? हम बैठे हैं किस्मत के साथ, जहाँ ये ले जाएंगे ना। हम हवेली जा रहे हैं यार, अपनी हवेली है, मतलब समझ तो रहे हो गया। फिर हम बैरिया जाएंगे यार, बैरिया जाके भी आपको जो भी शुगल मिला होगा वो लगा ही रखेंगे, आपको भी दिखाई रखेंगे। दोस्त साथ हैं, अली साहब प्लीज पीछे देख लो एक बार। अली जी भैया देख लें, देख लें, ड्राइवर तो ही देख जाए, ए भी फ्रेश है, सब फ्रेश लग रहे हैं। बस मैं फुल फ्रेश है, फुल फ्रेश। वो हमारा दोस्त है, वो बार बार हमारी गाड़ी निकलाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, हम कहते हैं हम वापस आ रहे हैं। यार लाहौर की ये चीज़ें ज़रा देख ली, रश बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम ज़रा जा रहे हैं अपने यार, ये हम गुजर तो खैर हम जहाँ जा रहे थे, बट ये वाली जगह देख लो, लाहौर का मशहूर लंडा जो है यहाँ पे मौजूद है, ये न्यू हॉस्पिटल के सामने। ठीक है, और इस साइड पे सारी मार्केट आप देख सकते हैं। ये जो दो लाहौर के दोस्त हैं वो मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ें गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ सस्ती चीज़ें चाहिए, ठीक है, लंदन से कुछ चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देख रहे हो सारी बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे, और इनका जो प्राइस है ये दोस्त बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और ये वाले भाई जो ड्राइवर भाई साहब, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताएंगे। यार गाइड करें, बोलो प्लीज़। मेडिकल स्टोर के अंदर पूरी मार्केट बनी हुई है, हाँ, इनके मतलब पीछे इस साइड पे हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा इधर क्वालिटी। ये देखो यहाँ पे पर्दे भी हैं, शर्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, मर्दों की औरतों की हर लिहाज से, बच्चों के लिहाज से भी, शूज़ वगैरह भी, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप लाहौर देना पसंद हो आप बताएं प्लीज़। लोकेशन इसकी जो है वो न्यू हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, मैंने पहले न्यू कहा था, बट न्यू हॉस्पिटल की ये बिल्कुल सामने है। ये यहाँ पे भी आप ये वाली शॉप्स जो हैं देख सकते हैं, ये सारी की सारी मार्केट है। यहाँ पे आपको ड्रेस वगैरह भी मिल जाएंगे, मतलब वेस्टर्न पहनना चाहे या पाकिस्तानी पहनना चाहे, कल्चर के लिहाज से आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे दामों में मिल सकती हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे आप ज़रूर आगे चक्कर लगाएं। इसके अलावा हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके आपको दूसरी मिलेगी। ये हम शदरा जो है पहुँच चुके हैं, ये ऊपर देख रहे हो आज़ादी चौक पहुँचे, आज़ादी चौक। यार आज़ादी चौक मुझे नाम नहीं आते, इन दोस्तों का नाम आते, इनके बात सुनते रहे। ठीक है, इधर एक बहुत बड़ा सारा ना मीनार पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने बना के दिया था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उधर उतरने की। इधर देखो, इधर ये ब्रांड भी है ऊपर, मैं उधर जाके आपको मैं ज़रा शो कराता हूँ सारी चीज़ें। हम हवेली जा रहे हैं, उधर जाकर हवेली भी दिखाते हैं। यार वो जो है आप देख सकते हैं वहाँ से, वो है मीनार पाकिस्तान, इतना बड़े वाला, ये वाला दिखाया। उसके बाद मैं आपको लंडे वाला भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहरिया कहता है कैसे लंडे वाला, डीएचए बहरिया जो है, डीएचए में एक वो लंडे वाला भी है, इस तरह वाला, लेकिन ये ओरिजिनल वाला, ये पीटी अप्रूव्ड है। ठीक है, फुल इसके ऊपर पटाखे शटाखे भी चलते हैं अक्सर। फूड स्ट्रीट जो है लाहौर की, हम पहुँच चुके हैं यार, ये इसका एंट्रेंस आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे की तरफ जाऊँगा ज़रा हवेली की तरफ, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाता हूँ, वहीं भी जाके बाकी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये आवाम जो है उसको ना ताकि हम दिस। रेट सारे आसान है, वो पहले दोस्त कह रहे हैं इधर कवाली नाइट होती है लड़के, इसको कह रहे हैं इधर कवाली नाइट भी है। ये वाला रेस्टोरेंट भी आप देख सकते हो, ठीक है, और ये सारा फूड स्ट्रीट है लाहौर का, सामने हवेली, जिसकी वजह से मैं इस रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसके ऊपर की जगह बहुत मज़े की है हवेली, तो इसके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और पीछे हम ज़रा देखते हैं क्या क्या कहानियाँ रखें हैं, ज़रा फूड स्ट्रीट को अच्छे से हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहले घूमने बाद तो इस फूड स्ट्रीट के अंदर भी चार रेस्टोरेंट तो खैर बहुत सारे देखे, जो कि रौनक भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, एंटीक भी इसकी मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे जहाँ पे फैमिलीज नहीं है मैं वो जगह ज़रा आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये ज़रा अच्छे से आप ना यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर भी शूज़ वगैरह जो कहते हैं ना, अच्छे अच्छे ज़रा इनका डिज़ाइन बना हुआ है खुद से का, और लेडीज़ के लिहाज से आप देख सकते हैं। मेरा मोबाइल का ज़्यादा खास रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपने गुजारा करना है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
अच्छी इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी अच्छे मोबाइल के साथ भी आप जल्द जल्द करेंगे। ये वाली जगह भी देख लें माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इनके पास। और ये फूड स्ट्रीट के बैक वाले गेट की तरफ, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इजीली आके ये चीज़ें जैसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप फूड स्ट्रीट में खाना खाना है, हवेली के पीछे आएंगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। चलो चलते हम ज़रा हवेली रेस्टोरेंट की तरफ। वो भी वहाँ के गेट के बाहर आप निकलोगे तो आपको यहाँ पे बादशाही मछली भी मिलेगी। यहाँ पे ज़रा देख लो ये, ठीक है, ये जी बादशाही मस्जिद। और पीछे जो है इसका ये सारी देख लें, इसके सामने अगर बादशाही मस्जिद घूमने के बाद अगर आप मीनार पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मतलब एक ही जगह पर उतरें, लाहौर की सारी मशहूर जगह जो है आप इजीली कवर कर सकते हैं और एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जाकर आगे एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है लाहौर कराची, मैंने सुना खैर वहाँ पे है, बट ये मुझे कह रहे हैं कि दोस्त सारे कह रहे हैं कि ये लाहौर में ही है। ये देख सकते हो, ये आप पीछे ये वो मौजूद है, आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आप आराम से यार इधर आओ एक ही जगह पे और सारी लाहौर की मशहूर चीज़ें घूम लो। बड़ी बड़ी यहाँ लाइट्स हैं, यहाँ पे आप पिक्चर्स आराम से इन्हीं लाइट्स की वजह से बनवा सकते हैं। दोस्त भी बनवा रहे हैं पीछे, आप सब देख सकते हैं। यार यहाँ पे जो है उलमा अकेडमी, ये भी आप देख सकते हो, ये भी है, मैंने आपको बताया। पीछे आपको मज़ार इकबाल भी दिखाया, आप गुजरे उधर नहीं बनाता, डोंट वरी। और ये वाली चीज़ें आप देख सकते हैं सारी। और अभी हम जो है जो जा रहे हैं अपने ज़रा भागते भागते हवेली की तरफ, वाला रेस्टोरेंट ज़रा अच्छा है ऊपर से जाके भी। छोटे छोटे हट्स जो है साइड पे बने हुए हैं और ये पूरा स्ट्रीट है, इधर सारी खाने की चीज़ें आपको मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे, उस साइड पे आपको बैठने की चीज़ें मिलेंगी। मैं ज़रा ये वाली रेस्टोरेंट की चीज़ें ज़्यादा आपको दिखा चाहूँगा। ये सारे रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, हर जगह कवाली वगैरह भी है। एक अच्छा रेस्टोरेंट की तरफ हम जा रहे हैं, वो भी दिखा, इधर लस्सी भी मिलती है यार, ये भी आप देख लो, ठीक है। इनके वैसे जगह अच्छी बनी हुई है, मुझे ये चीज़ें पसंद आई हैं, बड़ी मज़े की। वाओ क्लास लगा, और यार क्या ही बात है, मतलब खाने की खुशबू आ रही है, भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर की लग रही है। किसी रेस्टोरेंट बैठते हैं, ये ऊपर रिवाज भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है टैटू बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो रेस्टोरेंट है उसका यहाँ से जो है एंट्रेंस है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। और ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा चलते हैं और आपको वो वाली सिचुएशन भी ज़रा खूबसूरत करके दिखा दें। देखते हैं दोस्त हमारे यहाँ पे, ये देख रहे हो पागल हुए खड़े हैं सारे दोस्त, और इनके साथ मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है। और कहाँ से इंटरेस्ट है बताओ, ऊपर की तरफ देखते हैं। यार ये वाला जो रेस्टोरेंट है इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, ये देख सकते हो आप ज़रा, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, एंटीक पीसेस पड़े हुए हैं, कुछ कैमरे वगैरह भी हैं, देख रहे हो टाइप राइटर्स भी हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये ऊपर देखें माशाल्लाह, ये फानूस देखें ज़रा, कितने ज़्यादा प्यारे फानूस हैं। यहाँ पे कुछ जेवरात भी हैं, ये देख लो यार, ये कितने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बादशाहों के पास हुआ करते हैं, ठीक है, हमने क्योंकि मूवीज़ में ही देखी है, हमारे दौर में तो बादशाह वगैरह मौजूद नहीं थे, बट ये वाली चीज़ें देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के बर्तन, ये बादशाहों के पास ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो हमें ये यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में देखने को मिल रही है, ऊपर भी जाते हैं ज़रा, आप ऊपर भी जाके ये सिचुएशन सारी दिखाते हैं। कुछ वो कहते हैं पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो ज़रें वगैरह होती थी, तलवारें होती थी, बंदूकें होती थी, वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे वो भी मौजूद है, ये देखो ये ज़रा मौजूद है, और यहाँ पे ये वाला बंदा भी और ऑलमोस्ट क्या ही मौजूद है, ठीक है, इसको पहन के लड़ी जाती थी। पिस्टल ज़रा देखें, कितनी खूबसूरत खूबसूरत छोटी छोटी पिस्टल है, खैर पिस्टल वैसे ही छोटी होती है लेकिन पुरानी पिस्टल, हमने पबजी में ये वाली देखी। और ये देख लें, ये सारी ज़रें चेक करें इनकी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखें, ये वाली गन देख लें, ये अंग्रेज़ कहते थे ना यार, ये वाली खिड़की जो है ये भी चेक कर सकते हैं, और खूबसूरत जगह है ये। हम लिफ्ट पे ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे थे, आप लोगों को ये खूबसूरत चीज़ें जो मैंने बनाई हुई है बहुत ही पुराने से शौक रहो दिखा सके। ये तो खैर फानूस है, ये आप लोगों को पता ही है, ये पुरानी पुरानी दीवारें हमने बना रखी हैं इधर। ये बादशाही मस्जिद का आप व्यू जो है देख सकते हैं, मैं फैमिलीज नहीं दिखाऊँगा, हवेली रेस्टोरेंट के ऊपर ही मैं मौजूद हूँ, ठीक है। ये नीचे बहुत ज़बरदस्त खैर व्यू है लेकिन वो फैमिलीज़ की वजह से दिखाना मुश्किल। ये छोटी सी देख लें, और भाई मज़ा आया फूड स्ट्रीट में आके, गला जो है बिल्कुल बैठ चुका है और खाने खा के भी। और दूसरा बताऊँ तो एक और कहानी भी है, और कहानी के बाद चीज चेक के भी और बात कर करके भी। आज का ये वाला व्लॉग जो है मैं फूड स्ट्रीट का इधर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जितना हो सके, प्यार दें आप, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। अभी जो है रिज़ल्ट कैमरा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा, मेन रीज़न ये है कि मेरा साफ होगा नबी से लाल थोड़ा सा लो हो गया, इन करते इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलते हैं इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएगा आपको मुझे।